हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शो बाज रेसिपीज़। और आज मैं आपके साथ शाही पनीर और नान की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम बगैर तंदूर के बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या-क्या सामान चाहिएगा। हमें चाहिएगा 2 कप मैदा, 1/3 बेकिंग पाउडर, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1/2 कटोरी दही, 1 छोटी चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक अच्छा सा आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ, 1 चम्मच, और अच्छे से इसको हम सेट कर लेते हैं। बढ़िया सा चिकना सा आटा बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा आटा बनकर लगभग तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ टमाटर, अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची। और शाही पनीर की सब्ज़ी है तो शाही चीज़ें तो चाहिएंगी हमें। 15 से 20 काजू, 8 से 7 बादाम और कुछ खड़े मसाले। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, जीरा और जो भी हमारे पास खड़े मसाले हैं वो इसमें डाल देंगे। सभी मसाले डालने के बाद काजू और बादाम भी डाल देंगे। इससे ग्रेवी बहुत बहुत टेस्टी बनती है। इन सबको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। भून जाने के बाद टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची छोटे छोटे काट के इसमें डाल लेते हैं। हमें इनका पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे ही काट के डालेंगे। इन सबको मिला लेते हैं। 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको कम से कम 5 से 7 मिनट हम ढककर पकाएंगे, क्योंकि हमें इसको तब तक पकाना जब तक ये सभी चीज़ें सॉफ़्ट नहीं हो जाती। और 5 से 7 मिनट के बाद ये सभी चीज़ें सॉफ़्ट हो गई हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और पनीर के टुकड़े कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी ग्रेवी भी ठंडी हो गई है। अब एक मिक्सचर जार लेंगे, उसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें से खड़े मसाले निकाल सकते हैं और इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। अब इसको और एक छलनी से हम इसको छान लेते हैं, जिससे कि हमारा स्मूथ पेस्ट निकल कर तैयार हो जाए। इस तरह से चम्मच से हम सारा पेस्ट निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा बचा बाहर निकाल देते हैं। और ये देखिए, अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच मक्खन। इसको मेल्ट होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और लाल मिर्ची पाउडर, इनको मिला लेते हैं। और जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी
और एक चम्मच चीनी, इन सबको मिला लेते हैं और ढककर 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे। सात मिनट के बाद ये देखिए हमारी ग्रेवी का कलर चेंज हो गया है। ये देखिए अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। शाही पनीर मसाला मैंने आधा कप दूध में ऐड करके इसमें मिला दिया है। 2 चम्मच मलाई ऐड करेंगे। इन सबको मिला लेते हैं। देखिए मलाई डालने के बाद सब्जी का कलर चेंज हो गया है। और इसको हम ढककर 5 से 7 मिनट और पक। और ये देखिए हमारी क्रीमी क्रीमी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरी पत्ते धनिया की डाल देंगे और इसको मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे और नान बना लेते हैं। और आटे की एक लोई लेंगे और सूखा आटा लेंगे, इसको बेल लेते हैं। आप चाहे तो इसको चपाती की शेप में बेलिए या फिर जैसे ही हमारी नान होती है आप उस शेप में भी बेल सकते हैं। अब कुछ कलौंजी डाल देते हैं इसके ऊपर, धनिया की पत्तियाँ, और इसको हल्का सा और बेल लेंगे जिससे ये इसमें चिपक जाए। इसको दूध पलट लेते हैं। और इस तरफ हम इसमें पानी लगाएंगे, चारों तरफ पानी लगा लेते हैं। और तवे को गैस पे रखेंगे और हाई फ्लेम पे रखेंगे, एकदम हाई होनी चाहिए। और जिस तरफ हमने पानी लगाया था उस तरफ से हम इस पे तवे पे रख देंगे नान को इस तरीके से, और फ्लेम हमारी हाई होनी चाहिए। थोड़ी देर में इसमें बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, देखिए निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए अब हम तवे को उठाएंगे। और पलट कर आँच पर हम इसको ऐसे उठा के ऐसे पलट कर इसको सेक लेंगे। ऐसे हमें देखते हुए सेकना है, नहीं तो ये जल भी सकता है, इसलिए हम इसको चारों तरफ से इसको हम सेकेंगे इस तरीके से झाँकते हुए। ये देखिए चारों तरफ से सेक लेंगे इसको। आप बीच बीच में इसको पलट के देख सकते हैं, जहाँ से कच्चा रहता है वहाँ से आप पका सकते हैं इसको आराम से। और हम इसको चारों तरफ से सेक लेंगे। हमारा नान सिक गया है, अब इसको हम तवे से उतार लेते हैं और इस पर घी लगा देंगे। देखिए बन गया ना बिल्कुल तंदूर जैसा नान हमारा। और इसी तरीके से हम दूसरा भी बेल लेते हैं। कलौंजी डालेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, और इसको थोड़ा सा और बेल लेते हैं। और दूसरी तरफ पानी लगाएंगे, हमें अच्छे से पानी लगाना है ताकि ये तवे पे चिपक जाए। और फिर से तवा गर्म होना चाहिए हमारा हाई फ्लेम पे।
ये देखिए बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं। तवे को उठाएंगे और आंच पे हम ऐसे पलट लेंगे और देखते हुए इसको चारों तरफ से सेक लेंगे। है ना तवे पर नान बनाना बिल्कुल आसान। देखिए हमने चारों तरफ से सेक लिया इसको और हमारा नान बनकर तैयार है। और पीछे से भी बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। इसको उतार लेते हैं और इस पर भी हम घी लगा लेंगे और इसी तरीके से सभी नानों को हम सेक लेंगे। और हमारी नान और शाही पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।